बाड़मेर जिले के रामसर थाना अंतर्गत गागरिया गांव में मंगलवार दोपहर को एक विवाहिता ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना पर रामसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। घटना के दूसरे दिन बुधवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस ने मृतका के पिता की रिपोर्ट पर मृतका के पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। बाड़मेर जिले के रामसर थाना अंतर्गत गागरिया गांव में मंगलवार दोपहर को एक विवाहिता ने फांसी के फंदे से झूलकर अपनी इह लीला समाप्त कर ली। सूचना पर पहुंची रामसर थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर मृतका के शव को कब्जे में लिया और जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। घटने के दूसरे दिन पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को दे दिया। मृतका के पिता हेमाराम निवासी गागरिया ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। मृतका के पिता के अनुसार उसकी बेटी नीतू की शादी 2 साल पूर्व मनोज जानी पुत्र रामलाल जानी निवासी कुड़दा हाल निवासी बलदेव नगर के साथ हुई थी। शादी के 7-8 माह बाद से ही पति मनोज ससुर रामलाल जेठ शंकरलाल और ननद भावरी द्वारा उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता रहा। कई बार उसके साथ मारपीट भी हुई। प्रताड़ना से आहत होकर नीतू पिछले 7-8 माह से पीएर में रह रही थी जिसने मंगलवार को आत्महत्या कर ली। चौटन वृत्ताधिकारी नारायण सिंह के अनुसार गागरिया में एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली जिसकी शादी 2 साल पूर्व हुई थी। पुलिस ने मृतका के पिता की रिपोर्ट के आधार पर ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया। वहीं शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को दे दिया। मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बच्ची को मार पीट कर रहे थे इसलिए मेरी बच्ची रात तो बता गई सर क्या करे अब गरीब आदमी कहाँ जाए। कौन मार पीट कर रहे थे? उसके पति मनोज जानी और उसके ससुरा रामलाल जानी और उसकी ननद है भावरी। किस लिए मार पीट कर रहे थे? और उसका जेठ है शंकरलाल। मार पीट के बारे में उसको मार पीट कर तुम घर से निकल जाओ ऐसे ऐसे बच्ची वहीं रह रही है 22-23 साल की। उसकी सुसाइड की सूचना मिली थाना पे आने वाले पहुंचे परिजनों ने रिपोर्ट दी तो उसके ससुराल पक्ष द्वारा उसको दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था। 6-7 महीने से घर पर ही बैठी थी पीएर पक्ष में पीएर थी। इसने दिन में जब कोई घर में कोई नहीं था तो फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। तो रात को बॉडी मोर्चरी ला कर रखवा दी गई उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा आगे कार्रवाई की जा रही है। क्या रिपोर्ट दी होंगे परिजनों ने सर? परिजनों दहेज के लिए प्रताड़ना और उस वजह से उसके द्वारा आत्महत्या करने की रिपोर्ट दी इस पर कार्रवाई की जा रही है। सर शादी कब हुई थी? शादी 2 साल पहले। शादी मृतका के परिजनों के अनुसार करीब 7-8 महीने पूर्व ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता से मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया था जिसके बाद से विवाहिता नीतू अपने पीहर में रहकर रीट की तैयारी कर रही थी। मंगलवार दोपहर को जब कोई घर में नहीं था तो उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल पुलिस ने मृतका के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।